बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यार, वीडियो के शुरू में मैं आज एक बात बोलूँगा। कल एक भाई की तरफ से मुझे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता किया, अगर अपनी रुदात सुनाएंगे। कहानी तो लंबी है, लेकिन बात मैं उस आपको शॉर्टली एक बताना चाहता हूँ। यार, जो बंदा आपको सऊदी अरब में बैठकर वीज़ा देकर बुलवाता है ना, ये आपको मैं न्यूज़ भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ मैं। जो आपको सऊदी अरब में बैठकर आपका वीज़ा लेता है, बाद में आप चाहे उसको पैसे देते हैं या चाहे वहाँ पर जाकर कुछ दे देते हैं, तो वो आपको वीज़ा आपका लेता है, आपको बुलवाता है। यार, उसका कम से कम एहतराम करें। आपने काम उसके साथ नहीं करना है, उससे पहले बात कर लें, भाई मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता, काम कहीं बाहर करें, लेकिन उसकी थोड़ी इज्जत तो करें। यार, एक बंदा मेरे साथ जो भी मामला थे वो बोल रहा था कि यार मैंने ऐसे वीज़े लिए और बंदे बुलवाए, उन्होंने मेरे साथ ये किया। भाई, ये कोई भाई नस्ली खून की नहीं अलामत होती है, मैं ये आपको बता दूं। देखें, उसने आपके ऊपर मेहरबानी की है, या तो आप उसके एहसान का बदला चुकाएं, तो फिर चलो उसको बोलें भाई मुझे नहीं, ये जो आप सैलरी मुझे दे रहे हैं, जो पैसे दे रहे हैं मुझे नहीं, ये बारे में मैं कोई नई जगह काम ढूंढ लेता हूँ, ये बात होती है। तो सीधे जाते ही आगे के उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ और उसको बोलना जा तू कौन और मैं कौन, तो फिर तो गलत बात है यार, आप उसके एहसान का बदला क्या दे रहे हैं। बहरहाल जी, न्यूज़ के मुताबिक बात कर लेते हैं। इकामा एक्सपायर, हरूम मतलूब बदून कफील, कंपनी से भागे हुए। यार, मेरी कंपनी मुझे सैलरी नहीं दे रही है यार, 5 सैलरी नीचे हो गई यार, कंपनी सैलरी नहीं दे रही है, इकामा नहीं लगा रही यार, मैं घर नहीं गया 3 साल हो गए, 4 साल। यार, खली वली करो, कंपनी को भागो, बाहर दिहाड़ी लगाते हैं। ठीक है, दिहाड़ी लगेगी, आपकी काम भी अच्छा है दिहाड़ी वाला, अगर आपका कोई तल्लक वाला बंदा है और अगर आप दिहाड़ी करना जानते हैं तो कर लें, दोबार दिहाड़ी और 120-130 तो मिल ही जाती है, 110 तो आम मिल जाती है। और दूसरी बात ये है जी कि इसमें ये चीज़ है, फिर आप जब तक लगे रहेंगे, जब शुरू तक हाथ लग गए आपको डिपोर्ट करेंगे और दोबारा आप सऊदी अरब में जा भी नहीं सकते, यानी कि बैन हो जाएगा आपके ऊपर। और दूसरी बात ये है जी कि फिर आप देखेंगे भाई वो दिन अच्छे थे यार, ये पाकिस्तान में बैठकर आप सोचेंगे। यकीन कीजिए, जो बंदे पाकिस्तान में आ जाते हैं ना, वो फिर बैठकर ये दिन, वो दिन ज़रूर याद करते हैं। हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में, मिसाल के तौर पर आपको बताने का मकसद सिर्फ ये था, ये स्टोरी जो आपको मैं बता रहा था, ये कंपनी से, यार आपकी कंपनी सैलरी वगैरह दे रही है, काम आपका तजदीद नहीं कर रही है, तो उसके ऊपर भाई केस करें, मकतबे वालों में जाएँ, उसके ऊपर केस ठोकें, उसको बोलें जी ये मसला मसाइल है, ये मुझे इतनी सैलरी नहीं दे रहे हैं, ये मेरा काम है, देखें इनके नाम के ऊपर है, केस आपका चलता रहेगा उतनी देर बाहर काम करते रहें, जब केस जीत जाएँ अपनी सैलरी वगैरह भी पकड़ें और अपना खरूज जाना हो, जब उस टाइम सफारा में पेपर जमा करवा दे, सफारा से आपका खरूज लग जाएगा। हाँ, चंद माह लग जाते हैं, लेकिन लीगल तरीका है। आप मैं बोलता हूँ कि अपनी शॉपिंग करेंगे, अपनी टिकट लेंगे एयरपोर्ट के ऊपर आकर, अपनी फैमिली की जो फीएँ डाल डाल के मिलेंगे, ना कि भाई डीपोर्ट होकर आए, शक्ल कुछ और, दाढ़ी कुछ और, बाल कुछ और, एयरपोर्ट पर भी उनको पता लग जाता है ये बंदे डीपोर्ट होके हैं, और चल चल आगे, चल चल आगे, ऐसे बात करते हैं एयरपोर्ट के। पाकिस्तान में भी कुछ बंदों को तो पैसे लेकर छोड़ते हैं। बहरहाल जी, इस न्यूज़ के मुताबिक बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ जो हाईलाइट करके दिखाता हूँ, इसके मुताबिक ये वीकली रिपोर्ट होती है वजारत दाखिले की तरफ से, तो इसमें भाई देख रहे हैं डीपोर्ट के मुताबिक। सबसे पहले बताऊँगा, पिछले 7 दिनों में तकरीबन 9104 9100 बंदे बोल रहे हैं यार, 7 दिनों में 9100 बंदा डिपोर्ट हुआ है भाई सऊदी अरेबिया से जी। इनमें इकामा एक्सपायर वाले, हरूब वाले, बदून कफील भागे हुए, साय खास, आमल मदनी सभी आते हैं, उनकी तादाद कितनी है ये आपको बताता हूँ मैं। वैसे अगर टोटल की बात करें, जितने गिरफ्तार किए गए, तो टोटल हैं जी 15245 बंदा टोटल गिरफ्तार किया गया है। इनके आगे अगर बात करें मुखालफ निज़ामल इकामा, जिनके इकामे वगैरह एक्सपायर थे, फर्स्ट नंबर पर वो है जी, और उनकी तादाद है जी 8539, यानी कि 8540 बंदे भाई, 8000 प्लस में 8500 बंदा भाई गिरफ्तार हुआ है जिनके इकामे एक्सपायर थे। आप इस चीज़ से अंदाज़ा कर लें सऊदी अरब में कितनी दुनिया के इकामे एक्सपायर हैं। तो उसके आगे ये मुखालफ निज़ाम अमन अल हदूद, और इनकी तादाद है 4253, और उसके आगे जी मुखालफ निज़ाम अल अमल, यानी कि गैर कानूनी तरीके से काम करते हुए जो गिरफ़्तार होते हैं जी, मिसाल के तौर पर कफील्स एग्रीमेंट किया हुआ है, महीना कुछ और काम कुछ और किए जा रहे हैं, उनकी दादा जी 2453 बंद, ये वो है जी अफराद। तो ये एक वीकली रिपोर्ट होती है वजारत दाखिले की तरफ से, मैं बोलता हूँ आपके साथ लाजम शेयर करना चाहता हूँ। उसकी रीज़न ये होती है कि देखें आपको भी भाई अपडेट रहे कि सऊदी अरेबिया में इस वक्त सख्ती के मामलों को लेकर क्या सूरत हाल है।